Hey guys, welcome back. This is Gabby again and welcome to a new video. COVID-19 मतलब कोरोना का जो इम्पैक्ट है पूरे ग्लोबल लेवल पे हुआ है और इसको मतलब स्केल अप कर पाना, वाइंड अप कर पाना इतना आसान है नहीं. और यहाँ पे हर सेक्टर में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला. मतलब जिसका ग्राफ ऐसे जा रहा था वो बिल्कुल ऐसा हो गया, मतलब उल्टा वी हो गया. और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन सेगमेंट वाली इंडस्ट्रीज के बारे में. मतलब अगर आप बात करो इस कैटेगरी की तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है और बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है इन सब के लिए. हम फिल्टर करते हैं टॉप 10 कंपनीज को कि ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जो मतलब जिंदा है. तो पहले क्वार्टर में किस कंपनी ने कितना सेल किया है, कितना प्रॉफिट किया है, कौन रहा है नंबर वन पे, चलिए देखते हैं. भाई नंबर वन पे आपकी कंपनी आ जाती है साउथ कोरिया की, दिमाग में आ गया होगा सैमसंग. नंबर वन पे सैमसंग है बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट लाइन है काफी ज्यादा है. डिफरेंट टाइप्स के फोन बनाती है, हर सेगमेंट को कैटर करती है. ऐसा नहीं सिर्फ प्रीमियम या मिडिल या लोअर, सबको कैटर करती है और हर किसी के लिए इनके पास कुछ ना कुछ फोन है. 20% मार्केट शेयर सैमसंग का अकेले है. मतलब सोचो आप कितनी बड़ी कंपनी है मोबाइल सेगमेंट में. और यहाँ पे बात कर ले कितने फोन इन्होंने बेचे हैं वर्ल्ड में पहले 3 महीने में, तो 59 मिलियन फोन बेच दिए. तो ये हो जाता है लगभग 5 करोड़ 90 लाख, मतलब अप्रोक्स नहीं बोलेंगे यार, 10 लाख भी बहुत मैटर करता है. ये हो जाता है 5 करोड़ 90 लाख फोन इन्होंने पहले 3 महीने में, पहले क्वार्टर में इस लॉकडाउन के बावजूद भी इतने फोन बेचे हैं. मतलब भाई दूसरे नंबर पर जो कंपनी है, मतलब काफी लोग इस कंपनी का नाम नहीं जानते और उनको ऐसा शौक होगा कि यार ये कंपनी दूसरे नंबर पे, तो ये है हुआवे. और हुआवे का जो मार्केट शेयर है आप थोड़ा सरप्राइज हो गए जान के, मार्केट शेयर अकेले का 17% है ग्लोबल लेवल पे. और अगर बात कर लें कि इन्होंने कितने फोन बेचे हैं पहले क्वार्टर में, तो भाई वो है 4 करोड़ 90 लाख, रैंक 2 पे हुआवे, बहुत बढ़िया. अगली जो कंपनी है नंबर 3 पे, वो आप सोच रहे होगे यार इस कंपनी का नाम अभी आया क्यों नहीं, बिकॉज नाम सुनने में बहुत ज्यादा आता है. तो भाई नंबर 3 पे है यहाँ पे एप्पल. सबसे प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स बनाती है, सबसे महंगे बनाती है. मतलब काफी कंपनीज इस कंपनी को फॉलो करती है और अपने प्रोडक्ट्स कोशिश करती है कि इसके आसपास रखे. मतलब ऐसा करने में क्या उनके रिसर्च की जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो जाती है. तो आपने देखा होगा एप्पल की कॉपी बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिलती है, 40 मिलियन, मतलब कि 4 करोड़ फोन. और जो मार्केट शेयर है एप्पल का क्वार्टर वन में वो भी है 14%. मतलब ये भी काफी कमाल की बात है कि यार इतना प्रीमियम फोन होने के बावजूद भी 4 करोड़ फोन बेचना 3 महीने में काफी बड़ी अचीवमेंट है. नंबर 4 पे ये कंपनी है, मतलब पिछले कुछ टाइम में इसने धमाल मचा दिया, हिला दिया सबको और सबकी मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है. कंपनी है Xiaomi और इस कंपनी का जो ग्लोबल शेयर है वो अगर हम बात कर लें तो भाई अकेले 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है. मतलब ये ऐसी कंपनी है कि इससे पहले काफी पुरानी कंपनीज थी लेकिन इस कंपनी ने जो स्केल अप किया बिजनेस को, और खासकर इंडिया में बिकॉज इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट है, तो इंडिया को इसने इतनी अच्छे से समझा है और मतलब स्मार्टफोन की जो कैटेगरी थी उसको पूरी बदल के रख दी है. और यहाँ पे इस लॉकडाउन के बावजूद भी Xiaomi ने क्वार्टर वन में मतलब पहले 3 महीने में 29.7 मिलियन फोन सेल किए हैं. नंबर 5 पे आता है लड़कियों का सबसे चाहता फोन बिकॉज ये फोन आता है पाउडर कैमरे के साथ. मतलब जब इसके फ्रंट कैमरे से आप फोटो लेते हो या बैक से भी लेते हो तो ये आपके पूरे चेहरे पे इतना पाउडर थोपता है कि आप मतलब पहचान नहीं पाते हो कि ये मैं ही हूँ. और इस टेक्नोलॉजी के साथ ओप्पो ने भाई 5th रैंक ग्रैब कर ली है और उसके साथ इसने 22.3 मिलियन, मतलब कि 2 करोड़ 20 लाख समथिंग फोन बेच दिए हैं ग्लोबल लेवल पे. और नंबर 6 पर बात करें तो भैया ओप्पो की बहन आ जाती है वीवो, जो कि अगेन सेल्फी कैमरा, पॉपअप कैमरा, ये कैमरा, वो कैमरा, फलाना टिमकाना सारे कैमरे लेके आ गई है. और वीवो ने भी काफी अच्छा कमाल किया है इस पे 6th रैंक को होल्ड करते हुए. इस कंपनी ने 21.6 मिलियन फोन बेचे हैं, 2 करोड़ 10 लाख समथिंग फोन बेच चुका है. मतलब काफी कमाल की बात है ओप्पो और वीवो दोनों के लिए. मतलब भाई बहन ने मिलकर बिजनेस किया है और सही यार मिल के कह रहे पैसा तो घर में ही आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है. 7th रैंक पे रियलमी, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी रही है पिछले कुछ टाइम में. रियलमी ने भी इंडिया में धमाल मचा के रखा है. चाहे आप बात करो फोन सेगमेंट की या अदर प्रोडक्ट्स की, रियलमी ने भी मतलब बिल्कुल इंडियन मार्केट को अच्छे से समझ लिया है. और इनको क्रिएट करते करते रियलमी ने जो फोन बेचे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में वो है 7.2 मिलियन क्वार्टर वन में. भाई 8th रैंक पे दोबारा से आ जाती है चाइनीज कंपनी Lenovo. मतलब प्रोडक्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, स्मार्टफोन में काफ़ी स्ट्रगल रही है. Lenovo काफी पुरानी कंपनी है और मतलब कोशिश करते रही है कि कैसे भी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर पाए, लेकिन भाई यहाँ पे धुआंधार बिल्कुल बैटिंग चल रही है अलग अलग कंपनीज की तरफ से और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है Lenovo को. लेकिन फिर भी यहाँ पे 7 मिलियन फोन बेच के Lenovo ने 8th पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है. 9th बार जाती है अगेन साउथ कोरियन कंपनी LG. मतलब एक तरफ देख लो सैमसंग रैंक 1 पे होल्ड करते हो, रैंक 9 पे LG आती है, लेकिन ठीक है कोरियन कंपनीज ग्लोबल लेवल पे और ये साउथ कोरिया के लिए काफी अचीवमेंट वाली बात है. LG
नहीं लगभग यहाँ पे 5 मिलियन फोन बेचे हैं इस लॉकडाउन में क्वार्टर वन में। और भाई आखिरी में वाइंड अप करें इसको तो टेक्नो आ जाती है लास्ट कंपनी, मतलब काफी लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा। टेक्नो ने 4.7 मिलियन फोन बेचे हैं ग्लोबल लेवल पे क्वार्टर वन में लॉकडाउन के होते हुए भी, और यहाँ पे हमारी टॉप 10 लिस्ट को टेक्नो आके कंप्लीट करती है। और शायद इसलिए इतने लोगों की नौकरियां खतरे में नहीं आई है बिकॉज ये कंपनी फोन बेच पाई है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, स्टे होम स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो आपकी मर्जी कर दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।